I just want to be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस वाले व्लॉग में आप जानने वाले हो कि बैंकॉक कितना महंगा होता है। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना। आई होप आपको पिछले दो व्लॉग अच्छे लगे हो। आप कह सकते हो कि मेरा पहला दिन है बैंकॉक में, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पहले कि क्या एसेंशियल चीजें होती हैं जो आपको खरीदनी चाहिए एज अ टूरिस्ट अगर आप इंडिया से आ रहे हो। आज हम शॉपिंग करेंगे एसेंशियल्स की, और मैं जा रहा हूँ बिग सी सुपरमार्केट, यस, जहाँ पे सारी एसेंशियल चीजें मिल जाएंगी। और सिर्फ एसेंशियल चीजें ही नहीं मिलेगी, खाने पीने के भी बहुत ऑप्शंस हैं। तो ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है, सोना अच्छे से सो लिया था भाई, आराम से सोया हूँ, ब्रेकफास्ट तरीके से किया है, नहाया धोया, अभी सब कुछ सेट है। कैब बुक करते हैं और निकलते हैं बिग सी सुपरमार्केट, सारी एसेंशियल चीजें खरीदेंगे आज। तो ये व्यू है मेरे रूम से, जो कि आपने पिछले वाले व्लॉग में देख ही लिया था, काफी कमाल का व्यू है ये। तो मैंने कैब बुक कर ली है और काफी लंबा ट्रिप है, तो हाँ मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें गैदर कर लूँ, अपने पास रख लूँ। और मैं चाहूंगा अगर आप भी आओ ना थाईलैंड, तो आप भी ये एसेंशियल चीजें जरूर खरीदना, और इस जगह से ही खरीदना जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी कैब बुक की है, कैब आएगी, देन विल बी गुड टू गो। चिदलॉन स्टेशन है, उसके एग्जिट नंबर 1 से अगर आप निकलोगे तो आप सीधा बिग सी सुपरमार्केट पहुंच जाओगे, जहाँ मैं जा रहा हूँ। बहुत आसान तरीका है, हालांकि मैं अभी कैब से जा रहा हूँ। तो जो बिग सी मैं जा रहा हूँ सुपरमार्केट, वो है बिग सी रक्षा मंत्री, बहुत बढ़िया है गाइस। तो अभी आप जाके देखना भाई, मतलब बहुत मजा आने वाली है आज शॉपिंग करके, क्योंकि यार मेरे को लग ही रहा था, मतलब बहुत टाइम से ना, मतलब एसेंशियल्स ले ही लूं, क्योंकि 7-8 दिन का ट्रिप होता है। आ गए हम बिग सी, और ये सुपरमार्केट का साइज देखो, बहुत सारे फ्लोर्स हैं, ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ से एंट्री है। कैसा लग रहा है, पूरा शहर ही इसके अंदर है। मैं कह सकता हूँ वेलकम टू बैंकॉक्स मोस्ट कैप्टिवेटिंग शॉपिंग डेस्टिनेशन। हाँ भाई, अब चलते हैं अंदर। ओ भाई साहब, दिस इज ह्यूज। और भाई साहब, सोविनियर से लेके लोकल प्रोडक्ट्स तक सब कुछ मिलता है इधर, सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो आपको चाहिए होंगे अपने थाईलैंड ट्रिप के लिए। तो भाई कुछ शॉपिंग करते हैं, चलो कुछ सोविनियर्स लोकल प्रोडक्ट्स देखते हैं फटाफट, जो एसेंशियल्स आपको लेने चाहिए आपके थाईलैंड ट्रिप के लिए। एंड दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू कम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Wow. सिर्फ 399 बात की है भाई साहब। भाई ये थाईलैंड वाली टी शर्ट कैसे मिस कर सकते हो थाईलैंड आके। ठीक है, सोविनियर्स। इंडियन स्टाइल क्या, बहुत ट्रैवल करने वाले हो, सामान हाथ में कैरी करोगे। आपको बताइए मुझे कॉफ़ी कितनी पसंद है। ये एक एसेंशियल है, क्योंकि अगर मैं एक बार ख़रीद लूँगा तो ये पी सकता हूँ आराम से। तो लेट्स बाय एक अमेरिकानो ख़रीद लेते हैं। अगर आपका प्लान है थाईलैंड से आईफोन ख़रीदने का, तो बिग सी में आप आईफोन 14 प्रो भी ख़रीद सकते हो, जो प्राइस मिलेगा इंडिया से बहुत कम मिलेगा। एज एन इंडियन आप ये स्नैक्स वगैरह ख़रीदना चाहोगे थाईलैंड आ, क्योंकि ये बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, इंडिया में मिलते भी नहीं हैं, सिर्फ 46 बात के हैं एक, तो मैं दो लूंगा इसको, क्योंकि भाई साहब रात पे रात भूख लगे, चिप्स खा सकते हो। ये सारी चिप्स की वैरायटी है ना, आपको इंडिया में मिलने नहीं वाली कहीं पे भी। और ये देखो, ये भी कोई सिग्नेचर चिप्स है, अलग ही अलग फ्लेवर है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट, इसको भी मैं रखता हूँ। तो ये कुछ सोविनियर्स हैं जो आप चाहोगे एज एन इंडियन घर ले जाना, कि देखो इसमें थाईलैंड बना हुआ है, किसी को चाहो तो गिफ्ट कर सकते हो। ये अराउंड 100 बात का है, ये मैं रखता हूँ अपने पास। इफ यू कम टू बिग सी, आपको यहाँ पे थाईलैंड के ऑथेंटिक लोकल सोविनियर्स मिलेंगे, मतलब जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं ये लोकल फार्म्स से लाए गए हैं अक्रॉस द होल थाईलैंड। जैसे मैं अभी नॉर्थ ऑफ थाईलैंड भी जा रहा हूँ, तो जो चीज़ें वहाँ मिलेंगी वो आपको यहाँ पे भी मिलेगी इस लोकेशन पे। दिस इज थाईलैंड लोकल सोविनियर, आप कह सकते हो लोकल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ थाईलैंड के। तो एयरपोर्ट जाने से पहले आपको यहाँ पे आना बनता ही है, सिर्फ 69 भात में आपको मैंगो के कुछ चिप्स हैं, हाई ड्राइड मैंगो, ड्राइड मैंगो इन जस्ट 69 भात, ये बनते ही है, ये आपको सिर्फ यहीं मिलेगा और कहीं नहीं। यस, ओहो, एंड जब शॉपिंग कर लोगे तब आप जा सकते हो टुवर्ड्स द कैशियर, लेकिन कैशियर के पास जाने से पहले आई वो सजेस्ट यू कि अगर आपने 2000 भात से ऊपर की शॉपिंग की है तो आपको टैक्स रिफंड मिल जाएगा इस पर। हाँ जी, 2000 भात के ऊपर आपको टैक्स रिफंड मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं कस्टमर सर्विस में, जहाँ पे हमको 2000 से ऊपर की शॉपिंग तो हो ही गई होगी,
टैक्स क्लेम करते हैं। चलो, तो यहाँ पे हर जगह स्टाफ है जो आपको गाइड करेगा, असिस्ट करेगा प्रॉपरली टैक्स रिफंड्स के लिए। आपके सामने है यहाँ पे स्पाइसेस का भी ऑप्शन मिलेगा, एक आध स्पाइस रख ही लेते हैं। ये एसेंशियल चीजें आप कैसे भूल सकते हो थाईलैंड से, अगर इंडिया जा रहे हो तो ये भी रख लेते हैं। 24 कैशियर काउंटर्स हैं लाइन से, तो लाइन पे लगने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज कस्टमर सर्विस सेंटर जहाँ पे आप अपना टैक्स क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आप एक फॉरेन टूरिस्ट हो, इंडिया से अगर आए हो यहाँ पे तो 2000 बाहत के ऊपर शॉपिंग करने पे यहाँ से यू विल गेट द टैक्स रिफंड। चलो फटाफट बिलिंग कराते हैं। और यार अभी ना मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। वैसे खाने से याद आया, बिग सी में आपको डाइनिंग ऑप्शन भी मिलता है, इसके ऊपर के ऊपर हम जाके खाना भी खा सकते हैं अगर आप शॉपिंग करके थक गए हो। यू कैन हैव फूड ऑल्सो इन बिग सी। इसका बिलिंग कराते हैं और चलते हैं। जो ये लाइन देख रहे हो ना, ये टैक्स रिफंड की लाइन है पूरी कस्टमर सर्विस के लिए। कस्टमर सर्विस पे खड़े हैं सारे और हर जगह स्टाफ मिलेगा आपको असिस्ट करने के लिए प्रॉपरली। दिस इज बिग सी रेस्टोरेंट जो कि सुपरमार्केट में ही है। भाई साहब ये भी काउंटर है, वो भी काउंटर है। हम मंगवाते हैं, थोड़ी पेट पूजा करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। और भाई साहब प्राइसेस देख लो, 60 baht 70 baht, बहुत सस्ता है। तो मैंने मैंगो स्टिकी राइस लिया है, कुछ बहुत ही ऑथेंटिक है, तो ट्राई करते हैं। सिर्फ 70 baht का है भाई साहब। ये सब भी मिलेगा आपको, थाई टी और ये स्मूदीज हैं, फ्रेश फ्रूट स्मूदीज की बहुत कमाल की होती हैं। ये सब ऑप्शंस भी मिलेंगे गाइस, बट मैंने वो लिया है मैंगो स्टिकी राइस क्योंकि मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस करना था। दिस इज फूड कार्ट ऑफ बिग सी, ठीक है, नॉर्मल है, फूड कार्ट लेना पड़ेगा। इसमें 70 baht उन्होंने भर दिए हैं और इसको मैं दिखा दूंगा उधर एंड आई विल गेट द मैंगो राइस। इसको आप टॉप अप कर सकते हो जितना आप चाहो। सो गाइस आई एम टेस्टिंग दिस मैंगो और स्टिकी राइस, समथिंग वेरी डिफरेंट, मजा आ गई। व्हाट एन एक्सपीरियंस गाइस, व्हाट एन एक्सपीरियंस। मतलब शॉपिंग से लेकर डाइनिंग तक यू गेट एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा। और एज ए ट्रैवलर भाई ये जगह ना ट्रैवलिंग आसान बना देती है। थाईलैंड आ रहे हो, एसेंशियल्स खरीदने हैं और सब कुछ एक जगह पे चाहिए ना, कम टू बिग सी, गेट एवरीथिंग। कुछ देर यहाँ बैठ भी लेंगे, थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा। कॉफ़ी, सिग्नेचर ड्रिंक्स, सॉल्टेड कैरामेल 145। दो चीज़ें ली हैं हमने, एक ये कुछ है, एक ये और एक ये चॉकलेट। ये क्या है, चॉकलेट बॉल्स ना क्या, कितने पता नहीं, ट्रीट्स लिए इसने यार। तो ये एक्चुअली जो टोटल बिल आया ना हमारा, इसका और इसका, ये आया है अराउंड 270 baht का, इनटू 2.5 करना 670 rupees कटे हैं कुछ। ये बता रही है बहुत टेस्टी है ये, क्या बोलते हैं इसको एग्जैक्टली बताओ, कॉफी क्रम्बल। तब जा रहे हैं हम होटल, वॉक करके ही जाएंगे। अरे बंद हो गए, हम वॉक करके जाएंगे होटल। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जैसी बाहर निकले यहाँ भी बारिश हो रही है तरीके वाली, उम्मीद थी वैसे बारिश की। भाई कोई पार्टी आटी है इधर, है ना, बहुत कमाल का एरिया है ये। और ये मैकडी का जो मतलब मेन लोगो है भाई, हाथ जोड़ के खड़ा है, ऐसा पहली बार देखा है मैंने, नमस्ते कर रहा है क्यों। और ये सेंट्रल वर्ल्ड है, लास्ट टाइम जब मैं आया था थाईलैंड तो यहाँ पे मैं गया था, आपको याद होगा। तो ये कोई स्ट्रीट फूड मिल रहा है, तो पता नहीं कुछ तो है, नॉन वेज ही है ऑफकोर्स। तो अभी जा रहे थे हम अपने होटल वॉक करके, भाई साहब ये कोई नदी जा रही है बीच में से। हाँ भाई बहुत सुंदर लग रहा है। तो बैंकॉक स्काईलाइन मतलब बहुत बढ़िया ही है। और अभी हमको यहाँ से शायद राइट जाना है, वॉक कर रहे हैं, 1-2 kilometers ही है। तो गाइज रोड्स काफ़ी साफ़ है वैसे बैंकॉक की, और आपको लगभग फुटपाथ मिल ही जाएगा। जापान जैसा नहीं है बट फिर भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। अच्छा एक भी नहीं मिला अभी तक। हमारे गांधी जी यहाँ पे भी हैं, ये कोई इंडियन रेस्टोरेंट है, मालगुड़ी बापू यहाँ पे भी हैं। हम जा रहे हैं कोई रूफ टॉप कैफे में बैंकॉक के, चलो और देखते हैं भाई कितना एक्सपेंसिव है एक रैंडम कैफे बैंकॉक में, ठीक है। और ये 4 kilometers के लिए मैं ग्रैब में दे रहा हूँ अराउंड 164 तो 164 baht लग गए 3-4 kilometers के लिए, जो कि यहाँ। और अभी हम जा रहे हैं बैंकॉक हाइट्स कोई टॉप पे है, तो हाँ कहाँ से जरा देखना पड़ेगा एक बार। ये बैंकॉक हाइट्स कोई रूफ टॉप रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं आया हूँ। तो जैसे अगर आप कभी भी आओगे ऐसे रेस्टोरेंट में तो प्राइसेस देख लो, मतलब नहीं शैंपेन तो मत भूल जाओ, जैसे आप ये ऑर्डर करते हो ना, ये
देखो 190 बाहर का है चिकन विंग्स, और मतलब 200-160 में कुछ कुछ मिल जाएगा, मतलब लेके छोटा मोटा लेके बैठ जाओ आराम से और ये व्यू एंजॉय करो। भाई साहब व्यू देखो यार, कमाल का है। यहाँ से हमने 200-250 बाहर का कुछ कुछ ऑर्डर किया है, लेके बस बैठ जाएंगे। मेन है बैंकॉक स्काईलाइन, आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ बाहर बैठोगे ना, इन्होंने यहाँ पे देखो टॉर्च भी रख दी है, इंजॉय करो और व्यू देखो बस। तो ये हमने वेगन खाना मंगवाया है, ये वेगन नगेट्स हैं, मतलब लगेगा आपको चिकन है लेकिन वेगन है, और ये वेगन स्प्रिंग रोल मंगवाए हैं, ठीक है। तो ये भी बढ़िया लग रहे हैं, देखो प्रेजेंटेशन कितनी बढ़िया है। और ये लगभग 260 बाहर का था, ये भी 260 बाहर का था, और ये तो ये कोई टोफू स्प्रिंग रोल है, इसके साथ खाते हैं करी के साथ, बहुत बढ़िया गाइस। देखो प्रेजेंटेशन कितनी बढ़िया है इसकी। डिनर हो गया हमारा, जैसे मैंने बताया था आपको क्या क्या लिया है, तो ये देख सकते हो 1118 का बिल आया है भात का, अच्छा खासा मंगवाया हमने। इंडिया में भी अगर आप कोई ऐसे रेस्टोरेंट में खाते तो इतना ही बिल आता। तो आप देख रहे हो इस वीडियो में कितना महंगा है बैंकॉक, और इस कैब का मैंने दिया 164 भात, लगभग 4-5 किलोमीटर का, आया भी इतने में ही था, लगभग समझ लो 300 भात, तो हाँ 450 और खाने का आया है कुछ 1118 भात। पर जगह आपने देखी बहुत अच्छी थी। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से व्यू के साथ मैं उठ चुका हूँ। अभी जो यहाँ से मैं सिटी जाऊंगा बैंकॉक से, वो सिटी बहुत टाइम से मेरा पेंडिंग है, इस वाले सीरीज में आप देखने वाले हो। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, मैं दिखाता हूँ आपको कितना एक्सपेंसिव है ब्रेकफास्ट। इंडियन रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, अभी इतने दिन से मैं होटल में ही खा रहा था। ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर इस ब्लॉग को हम शायद एंड करेंगे, और जो अगला वाला वीडियो होगा, ओ भाई। तो ये कोई इंडियन रेस्टोरेंट में आया हूँ मैं अपने होटल के पास में, मालगुड़ी नाम है, जिसे मैंने कल बताया था आपको आते वक्त। ये कोई दूसरा इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ हम आए हैं, शाकाहारी। यहाँ का प्राइस ठीक है, डोसे वगैरह भी हैं, 120 भात, 160 भात, 150 भात। हमने गाइस मेन कोर्स ही ले लिया है, 250 भात का मुझे पड़ा पनीर टिक्का मसाला, और 5 रोटी मंगवा ली मैंने 50 भात की, 30 भात की है प्लेन रोटी। खाना खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं तरीके से। अजवाब अगर आप थाईलैंड आओ तो इंडियन रेस्टोरेंट 2-3 दिन में खा लिया करो, मतलब पेट भर के, बाकी फिर चलने दो हल्का फुल्का। और खाने का बिल आया लगभग 513 भात का, लगभग 1200 रुपए कटे मेरे बैंक से। खुद ही जज कर लो गाइस, महंगा है सस्ता है। पनीर टिक्का मसाला खाया था, 4-5 चपातीस खाई है, क्वांटिटी 2 लोगों के लिए नहीं थी वैसे, बट फिर भी खाना बहुत टेस्टी। 1200 रुपए 2 लोगों के लिए, मतलब लगभग 600 रुपए, जज कर लो इतना ही महंगा है बैंकॉक। अब जा रहा हूँ होटल। जो अगला वीडियो है वो बहुत अवेटेड वीडियो है, बहुत टाइम से ये हुआ नहीं, होना चाहिए था पहले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। रवि मैं जा रहा हूँ कहीं तो टिकट लेने के लिए, जहाँ पे मैं अगली जगह जा रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ बाय, ये हमारा थर्ड वीडियो था, बाय। अरे अरे ये क्या है।